हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों? आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट। एस एक सेट गिवन है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कंजुगेट इक्वल टू दिस नंबर टर्म गिवन है, एंड समेशन ऑफ मॉडुलस टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म एक्सप्रेशन लिखोगे बेटा, जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए उटा जेड स्क्वायर प्लस रियल टर्म ऑफ जेड कंजुगेट, रियल पार्ट ऑफ जेड कंजुगेट। नाउ बेटा, अगर जेड क्वेश्चन आ जाए, बेस्ट वे, जेड अज्यूम करो एक्स प्लस ए उटा वाई। जेड अज्यूम करोगे एक्स प्लस ए उटा वाई, प्लॉट करो बेटा टर्म्स। जेड कंजुगेट मीन्स एक्स प्लस ए उटा वाई होल कंजुगेट इज इक्वल टू ए उटा जेड स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस ए उटा वाई होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कंजुगेट। कंजुगेट मीन्स एक्स माइनस ए उटा वाई, क्लियर टर्म। नाउ कंजुगेट करोगे बेटा, दिस नंबर इज एक्स माइनस ए उटा वाई, ए उटा ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस इट्स रियल पार्ट इज, रियल पार्ट ऑफ दीज टू नंबर इज एक्स, रियल पार्ट ऑफ दीज टू नंबर इज एक्स। नाउ वैल्यू ऑफ ए ओटा स्केयर, वैल्यू ऑफ ए ओटा स्केयर आ जाएगा ए ओटा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। रियल नंबर सेपरेट करो, एक्स फ्रंट लिख दोगे बेटा, एक्स फर्स्ट टर्म प्लस टू एक्स वाई ए ओटा, टू एक्स वाई ए ओटा, ए ओटा मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस ए ओटा वाई, ए ओटा मल्टीप्लाई करोगे ए ओटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ए ओटा इंटू ए ओटा, ए ओटा स्क्वायर, ए ओटा इंटू ए ओटा स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ ए ओटा स्क्वायर इज माइनस वन, वैल्यू ऑफ ए ओटा स्क्वायर माइनस वन, दिस नंबर इज माइनस टू एक्स वाई। नाउ देखो बच्चों, कंपेयरिंग देखना, रियल नंबर, रियल नंबर इक्वेट करोगे, रियल नंबर मीन्स विदाउट ए ओटा टर्म, एंड एओटा टर्म विद एओटा टर्म कंपेयर करोगे, मींस एओटा टर्म्स कंपेयर करो, रियल नंबर को कंपेयर करो, टर्म्स कंपेयर करोगे, x इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई, x इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई, एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, मीन्स रियल टर्म विद रियल टर्म इक्वेट हो जाएगा, इमेजिनरी विद इमेजिनरी इक्वेट हो जाएगा। बेटा एक्स एंड वाई फाइंड आउट करो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, शिफ्टिंग करोगे टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन दिस नंबर इज वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी जीरो, एंड वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगा बेटा माइनस वन बाय टू, वैल्यू ऑफ एक्स जीरो एंड वैल्यू ऑफ वाई माइनस वन बाय टू। नाउ अगर वैल्यू ऑफ एक्स जीरो है, चेक करो टर्म, इफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो इन दिस इक्वेशन, इफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स जीरो पुट करोगे, दिस इक्वेशन इज माइनस वाई जीरो माइनस वाई स्क्वायर प्लस जीरो, शिफ्टिंग करोगे माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वाई कॉमन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ वाई जीरो एंड वन, वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी जीरो एंड वन। नाउ y हो गया, x ऑलरेडी पता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वैल्यू पुट करो, x प्लस ए ओटा वाई, जीरो पुट करोगे जीरो प्लस ए ओटा जीरो, वन पुट करोगे जीरो प्लस ए ओटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। नाउ नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टर्म है, अगर x जीरो है, y आंसर्स आ गए, नाउ y माइनस वन बाय टू है, y गिवन है, x फाइंड आउट हो जाएगा, मींस पुट करो इन दिस इक्वेशन माइनस y, अगेन इस इक्वेशन में पुट करोगे माइनस y, y वैल्यू माइनस वन बाय टू पुट करो इन दिस इक्वेशन, दिस इज वन बाय टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय फोर प्लस एक्स, एलसीएम लगाओगे, इक्वेशन बन जाएगी फोर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर एक्स,
कैंसिल हो जाएगी टर्म टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टू इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन माइनस वन, क्वाड्रेटिक बन जाएगी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक आ गए। नाउ फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा 12, 4 मतलब 6 एंड 12 आ जाएंगे बेटा फैक्टर्स, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3, बेटा कॉमन करोगे 2x इंटरनल नंबर 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 3, क्लियर है। वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 1 बाय 2 एंड माइनस 3 बाय 2, वैल्यू ऑफ एक्स आ गई। बेटा ऑलरेडी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, ऑलरेडी दो नंबर्स मींस ऑलरेडी ये दो टर्म्स हैं। नाउ फ्रॉम वाई माइनस वन बाय टू से, वाई माइनस वन बाय टू पता है, वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, वैल्यू ऑफ एक्स भी आ गया, दो और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, डबल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, डबल कॉम्प्लेक्स नंबर्स मींस जो आएंगे एक्स्ट्रा दो, जेड इज इक्वल टू, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जेड इज इक्वल टू x 1 by 2, y minus 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 2 a होता, and z is equal to minus 3 by 2 and minus 1 by 2 a होता। बेटा टोटल चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, टोटल चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नाउ मॉडुलस ऑफ दीज फोर नंबर्स फाइंड आउट करो एंड ऐड करो, मॉडुलस ऑफ दीज फोर टर्म्स फाइंड आउट करो एंड ऐड करोगे, मॉडुलस मॉड ऑफ जेड स्केयर फाइंड आउट करना है, किस तरह कर पाओगे? देखो मॉडुलस ऑफ दिस नंबर, मॉडुलस ऑफ दिस नंबर, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड आउट किस तरह करोगे? फर्स्ट नंबर मॉड फाइंड आउट करो, मॉड ऑफ दिस नंबर, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट नंबर इज जीरो, मॉड ऑफ सेकेंड नंबर इज वन, मॉड ऑफ दिस पार्ट इज, मॉड ऑफ दिस पार्ट इज, मॉड ऑफ दिस नंबर इज अंडर रूट ऑफ 1 बाय 4, मॉडुलस पता है ना, रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर, मॉडुलस मींस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, दिस नंबर इज अंडर रूट ऑफ 2 बाय 4 मींस 1 बाय रूट 2, थर्ड मॉडुलस आ जाएगा। फोर्थ मॉडुलस, थर्ड मॉडुलस आ गया 1 बाय रूट 2, फोर्थ मॉडुलस रियल टर्म स्क्वायर मींस 9 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, दिस नंबर इज इक्वल टू 10 बाय 4, 10 बाय 4 मींस हो जाएगा रूट 5 बाय 2, टोटल फोर मॉडुलस आ गए हैं आपके पास, टोटल फोर मॉडुलस फाइंड आउट हो गए। नाउ स्केयरिंग करो एंड ऐड करो, मॉड ऑफ जेड स्केयर करो एंड ऐड करो, mod of z square करो and add करो, mod of z square means scaling, mod of z squares करो and summation means add करो, summation means add करोगे, mod of z square आ जाएगा 0, 1, 1 by 2 and 5 by 2, addition करोगे, addition 1 plus LCM 2, 3 हो जाएगा, final answer 4 हो जाएगा, final answer 4 means option A आपका final answer है, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू स्टूडेंट्स।